नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई जा रही है और आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर है। अगले 30 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई हमले हो सकते हैं। सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर भी है। सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा। जम्मू कश्मीर में अगले 30 घंटे सुरक्षा बल के जवानों के लिए अहम है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आए आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अगले 2 दिनों में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इन आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बलों के शिविर, चेक पोस्ट और सरकारी संस्थान हो सकते हैं। इस आतंकी हमले की आशंका के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोका जा सके। इस आत्मघाती हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में पहरेदारी तेज हो गई। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जाने लगे। इस बीच कठुआ में 2 आतंकियों के आने की खबर पर पुलिस और सेना चौकन्नी हो गई। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के DGP ने आतंकियों को खुला चैलेंज दे दिया कि आतंक फैलाने वालों का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकियों के मददगारों को पछताना पड़ेगा। उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आईं। वहां नेशनल हाईवे पर एक एक गाड़ी को तलाशा गया। किसी के भी संदिग्ध होने पर उससे कड़ी पूछताछ की गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। सांबा में भी जम्मू पठानकोट हाईवे पर पहरा सख्त दिखा। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें देखिए। घने जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान करते दिखे। ये वही इलाका है जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हुआ था। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है उनके मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है। उधर रियासी आतंकी हमले के मामले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीते 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 बड़े हमले से दहशत फैल गई है। इसीलिए इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी घटनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक की, क्योंकि रियासी, कठुआ, डोडा में आतंकी हमलों में 10 लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान शहीद हो गया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।
और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। तरुण चुग ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ बातचीत का सुझाव दिया है जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी भेज रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकियों का हमला जारी है तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर बातचीत का मशवरा देने लगे। आतंकवाद की समस्या खत्म करने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी और यही बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को नागवार गुजरी। तरुण चुग ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान के पीआरओ की तरह व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में मशहूर है, उस आतंकवाद की फैक्ट्री की पैरवी हमारे पूरा मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने यह भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के आम आदमी के विकास और तरक्की की कोई चिंता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के जिस बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने हमला बोला, अब आपको वो बयान सुनवाते हैं। कि unfortunately we still have problem with our neighbor and the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything because these terrorists are coming over the border and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people get died. ये कोई पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की सलाह उन्होंने दी हो। इससे पहले वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और उनके इन बयानों पर बीजेपी हमेशा पलटवार करती है क्योंकि मोदी सरकार का ये मानना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर और डराने वाली खबर सामने आई है जो कि मुंबई से है। सोच कर देखिए, गर्मी के इस मौसम में जब आप आइसक्रीम खा रहे हो, आधी आइसक्रीम खत्म कर दी हो और आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली आ जाए, तो मुंबई के मलाड के एक डॉक्टर के साथ ऐसा ही हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आइसक्रीम में इंसान की कटी उंगली, दूध वाली आइसक्रीम में कटी उंगली, मुंबई से डरा देने वाली खबर। मुंबई के मलाड में एक डॉक्टर ने आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। आइसक्रीम आई तो, लेकिन जब ब्रेंडन फेराब ने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद उनके मुंह में एक टुकड़ा आया और जब उसे उन्होंने निकाल कर देखा तो हैरान रह गए। आइसक्रीम के साथ एक इंसान की कटी हुई उंगली उनके मुंह में आ गई थी। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया, तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काटली जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो काटले इसका पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। कोन वाली इस आइसक्रीम में उंगली कहां से आई, ये तो अब जांच का विषय है। जिस कंपनी की आइसक्रीम है उसके प्रोडक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई या फिर ये गड़बड़ी कहीं और से हुई, लेकिन ये ऐसी खबर है जो आइसक्रीम का लुत्फ लेने वालों को जहन में डर पैदा कर देती है। आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली। 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते टाइम उनको एक उसमें एक फ्लेश जैसा एक
अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए, आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने एक उनका FIR लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। आइसक्रीम में मिले मांस के उस टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सच्चाई सामने आनी बाकी है कि आखिर एक इंसान की उंगली आइसक्रीम में कैसे पहुंची और इसके पीछे का रहस्य क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया, यही प्रभु का न्याय है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के ये बहुत बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दें उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया, यही प्रभु का न्याय है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनाते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया और सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे। और दिल्ली में जल संकट पर जमकर के राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहराया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा, असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है, अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा, अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं, अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कसती जाए वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं लेकिन पानी की इलीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी।
दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं, तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गयी तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएँ। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। और अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक अग्निवीर योजना पर बहुत जल्द बहुत बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर चुनावी घमासान के बाद चुनावी परिणाम में भी काफी असर दिखा है। दावा यह किया जा रहा है कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, मोदी सरकार इस योजना का रिव्यू कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। अग्निवीर जो 24 के चुनावी पथ पर सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, अग्निवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया, अब उस अग्निवीर योजना में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। अब सूत्रों से खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है, यानी अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है, अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेचुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। यानी जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा, अब उस पर मंथन शुरू हो चुका है। राहुल ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक ये योजना अस्वीकार्य है। अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, इन 4 वर्षों के भीतर
कोई भी इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनीति हो, अग्निवीर अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि नए भर्ती किए गए सैनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई। ये योजना 17.5 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, जिसमें 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। वहीं 25% अग्निवीर को 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। अब खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।